भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्र की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वाराणसी की गायिका से गैंगरेप के मामले में ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शनिवार को डुगडुगी बजाकर घर पर नोटिस चस्पा किया। बता दें कि रिश्तेदार की जमीन हड़पने के मामले में बाहुबली विधायक विजय मिश्र की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी की एक गायिका ने अक्टूबर 2020 में विधायक विजय मिश्र, उनके बेटे विष्णु मिश्र और नाती के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। गौरतलब हो कि विधायक पहले से ही जेल में है जबकि नाती हाईकोर्ट से जमानत पर है, लेकिन कारोबारी बेटा विष्णु मिश्र अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित लड़की ने रो रोकर सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। यही नहीं, पीड़िता ने विजय मिश्र की पोल खोलते हुए कहा कि विधायक ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी और फर्जी मुकदमों में उसके परिवार को फंसाकर परेशान किया जा रहा है। पीड़िता ने यहां तक कह दिया कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो सीएम आवास के सामने आत्मदाह कर लेगी। अपने ऊपर किए गए दुष्कर्म के द्वारा मैंने विजय मिश्रा पर FIR दर्ज कराया था। विजय मिश्रा ने मेरे साथ दुष्कर्म किया था और सामूहिक दुष्कर्म कराया था। आज इतने महीने बीत गए, मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। विजय मिश्रा ने बोला था कि मैं बाहुबली हूँ, मैंने कई लोगों के ऊपर फर्जी केस करवाए हैं, अगर तुम मेरे बारे में किसी को कुछ भी बोलोगे तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा, तुम्हारे परिवार वालों को जान से मरवा दूंगा। प्लीज मुझे इंसाफ दीजिए, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। प्रधानमंत्री आवास पे आकर के आत्मदाह कर लूंगी, योगी जी के आवास पे आके विधानसभा के पास में आके आत्मदाह कर लूंगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज, और प्लीज न्याय कीजिए। वहीं भदोही के SP ने कहा कि रेप मामले में बाहुबली विधायक विजय मिश्र के फरार बेटे की गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते पुलिस ने शनिवार को डुगडुगी बजवाकर विधायक के घर पर नोटिस चस्पा किया। देखिए, आप सबको पता है कि विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे और उनके एक रिश्तेदार के खिलाफ एक महिला ने रेप का मुकदमा लिखाया था, जिसमें विधायक और उनका रिश्तेदार गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन अभी उनका बेटा विष्णु वो फरार चल रहा है। तो न्यायालय द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए जो 82 CRPC की कार्रवाई है की गई है और उसी के तहत ये डुगडुगी करवाई गई है।